प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। किसी भी तरह का तनाव आपको हो सकता है, अपने करियर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने संतान का, अपने जीवन का। तनाव रहता ही है जीवन में, जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है। ग्रहों के साथ क्या संबंध है? तनाव मन की एक अवस्था है, मन की एक आदत है। खुश रहना भी मन की एक आदत है और तनाव पालना भी एक आदत है। और तनाव पैदा होता है आहार से, विचार से, व्यवहार से और संस्कार से। तनाव आपके भोजन पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो टेंशन बढ़ाते हैं, आपको पता हो या ना हो। बहुत सारे विचार तनाव बढ़ाते हैं, आपका बिहेवियर भी तनाव बढ़ाता है। और संस्कार ही अगर ऐसा है, आपने बचपन से देखा है अपने घर में लोगों को तनाव पालते हुए, तो आप भी तनाव पालेंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो तनाव के साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष में तनाव का, टेंशन का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। क्यों? चंद्रमा मन का स्वामी है और तनाव होता कहाँ है? मन में होता है। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों की वजह से अलग अलग तरीके के तनाव हो जाते हैं। कभी कभी ये तनाव वास्तविक होता है, वास्तव में तनाव होता है, और कभी कभी काल्पनिक भी होता है, बिना वजह के भी तनाव होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा के ऊपर इम्पैक्ट कैसा है, प्रभाव कैसा है। अगर वास्तविक प्रभाव है तो हाँ, तनाव की कोई वजह होगी। और अगर राहु का प्रभाव है, कल्पना का प्रभाव है, राहु का नक्षत्र है, तो तनाव काल्पनिक होगा, यानी कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी टेंशन पाल रहे हैं। तो चंद्रमा को देखकर हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपके तनाव का हाल क्या है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेके सशंकित रहते हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, स्वास्थ्य को लेके तनाव रहता है। कारण क्या है? आम तौर पर ये तनाव तब होता है जब चंद्रमा कुंडली के निचले इलाकों में होता है, 6, 7, 8 भाव में। अष्टम भाव में हो और अकेला हो तो ये तनाव और भी ज्यादा होता है। हाथ में जो चंद्रमा का पर्वत है, सबसे किनारे वाला जो इलाका है, यहाँ पर अगर यहाँ पर दाग धब्बे हों, तिल हो, तो भी आप अपनी सेहत को लेके सशंकित रहेंगे, अपने सेहत को लेके तनाव पालेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? सोमवार के दिन खीर बनाइए, भगवान शिव को समर्पित करिए, और भोजन के बाद अंतिम आहार के रूप में इस खीर को खाइए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये हर मंडे को करिए। रात में सोने के पहले पलंग पे लेट करके 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, और अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का उच्चारण करिए। एक मून स्टोन माने चंद्रकांत मणि, मोती का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मोती से ज्यादा बेहतर कभी कभी काम करता है। तो अगर सेहत को लेकर के तनाव रहता है तो एक मून स्टोन चांदी में बनवा के सोमवार को अपने गले में चांदी की चेन में पहनिए। इससे सेहत को लेके जिस तरह के तनाव होते हैं वो तनाव दूर हो जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।